हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सब की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको करवा रही हूँ प्राइसिंग के मेथड्स के, मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन तरह के प्राइसिंग मेथड होते हैं। आजकल मैं आपको करवा रही हूँ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, ये फर्स्ट टाइप है प्राइसिंग मेथड का। इसमें आज मैं आपको इसका थर्ड टाइप करवा रही हूँ। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आज मैं आपको थर्ड टाइप करवा रही हूँ। दो मैं आपको पहली करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको यहाँ पे थर्ड टाइप करवा रही हूँ, जो है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। ठीक है, तो इसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग मैथड PM। मैंने कोई ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम पड़ी थी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग मैथड, ठीक है। सुनिए, जो मैंने आपको कल और परसों को जो मैंने आपको प्राइसिंग मैथड करवाए थे, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मैथड और मार्कअप प्राइसिंग मैथड, उन दोनों प्राइसिंग मैथड में जो प्राइस होता है वो टोटल कॉस्ट के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, और उधर टोटल कॉस्ट में हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों लेके चलते हैं। लेकिन इधर सिर्फ हम फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी वेरिएबल कॉस्ट लेके चलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम इग्नोर करते हैं। देखिए, अदर टू मेथड जो मैंने कल को आपको करवाए थे, कॉस्ट प्लस एंड मार्कअप, बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट, TC स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेके चलते हैं। लेकिन इस मेथड में फिक्स कॉस्ट को इन लोगों ने इग्नोर किया है, ठीक है। प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। समझिए, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, और जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं ये लोग, जो प्राइस सेट करते हैं, जो इनका बेस होता है प्राइस सेट करने का, वो यहाँ पे ये लोग लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और किसकी वेरिएबल कॉस्ट? फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक और यूनिट ऐड कर दिया, मतलब 6, मतलब एक और यूनिट मैंने ऐड कर दिया, तो अब हो गया 6 यूनिट। तो उस जो मैंने अभी एक और यूनिट ऐड की है, उस यूनिट में मुझे कितना खर्चा लगा है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई है, उसको हम यहाँ पे मानते हैं। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड बाई प्रोड्यूसिंग 1 more unit, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्शन, जिस जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 1 more unit, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 1 more unit। 1 more unit मीन्स पहले आप 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब आपने एक और यूनिट प्रोड्यूस करी है, ठीक है। ये देखिए, 1 more unit टेकन एज द बेस फॉर प्राइसिंग। तो जब हम एक और यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको प्रोड्यूस करने में जो हमारा खर्चा आ रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं, मतलब कह रही हूँ, उसको हम बेस मानते हैं अपने प्राइसिंग में, ठीक है। ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड एंड रिकवर्ड, फिक्स कॉस्ट इज इग्नोर। यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, उसको रिकवर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट विल बी रिकवर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम रिकवर करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन से, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो। बेसिकली यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 1 more unit टेकन एज द बेस फॉर प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट हम उस यूनिट की यहाँ पे बात करते हैं जो कि हम एक और यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक और यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ हम उसकी वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। तो इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इधर देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ यूजेस लिख रखे हैं कि मतलब ये जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है, ये कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, या ये किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है। पहला है यूज़फुल व्हेन देयर इज़ एन इंटेंस कंपटीशन। पहला यूज़ ये है इसका कि जब ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है, मतलब कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो ये वाला मेथड कंपनी यूज़ करती है। और वन कंपनी वांट्स टू यूज़ आइडल कैपेसिटी टू एक्सेप्ट न्यू ऑर्डर्स,
या तो जब होता है जब कंपनी जो अपना जो बचा हुआ सामान है, रॉ मटेरियल बच गया, आइडल मतलब जो बचा हुआ है, आपने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन अब अभी आपके पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है, कुछ रॉ मटेरियल बचा हुआ है, तो आप उसको यूज़ करते हो कि जिससे आपको नए ऑर्डर्स मिल जाएं, या आप बोल सकते हो जब आपको नए ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप इस वाली कैपेसिटी का, इस वाले एक तरह से आप बोले तो रॉ मटेरियल का यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, और इट वॉन्ट टू एंटर न्यू मार्केट। या तो ये जब करता है, जब कंपनी ये वाला मेथड यूज़ करती है जब उसको एक बिल्कुल नए मार्केट में एंटर करना होता है। सेकेंड इज ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू प्रोडक्शन और स्टॉप। ये वाला जो मेथड होता है, ये वाला बहुत ज़्यादा यूजफुल माना जाता है जब आपकी कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना है या स्टॉप करना है। थर्ड इज़ यूजफुल फॉर प्राइजिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो ये वाला मेथड जब भी यूजफुल रहता है जब मार्केट में काफ़ी डिप्रेशन वाली कंडीशन चल रही होती है, जिसको हम बोलते हैं मंदी, ठीक है। तो डिप्रेशन के टाइम पे हम यहाँ पे इस वाले मेथड से प्राइसिंग आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर आज की क्लास हमारी यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दी हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड की। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस, कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं। हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव टेंडर्स एंड इन एक्सपोर्ट मार्केट। देखो, जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे होते हो कॉम्पिटिटिव टेंडर्स में, मतलब कॉम्पिटिटिव टेंडर्स के लिए, और जब आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर रहे होते हो, तो आप जब प्राइस डिसाइड कर रहे हो इन दोनों सिचुएशन में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यूज़फुल इफ़ प्रोडक्ट इज़ पैरिशेबल। अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट पैरिशेबल वाला है, मीन्स वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये वाला मेथड काफ़ी यूज़फुल रहेगा। प्रोटेक्ट शट डाउन एंड कीप द लेबर फोर्स बिजी इन स्लैक सिचुएशन। देखिए, जब आप मतलब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अब अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में एक तरह से डिप्रेशन पीरियड चल रहा है और आपको अब अपनी कंपनी का शटर डाउन करना पड़ेगा, तो उस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। वो प्रोटेक्ट करता है आपको शट डाउन सिचुएशन से, मीन्स ये वाला मेथड आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है कि आपको अपनी कंपनी का शटर डाउन ना करना पड़े और आप अपनी जो लेबर है उनको बिजी रखें इन स्लैक सिचुएशन। स्लैक सिचुएशन मतलब जब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन हो रही है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा, उस वाली सिचुएशन में भी इस वाले मेथड की वजह से आप अपनी लेबर फोर्स को बिजी रख सकते हैं। फोर्थ इज़ यूजफुल इन प्राइजिंग ड्यूरिंग इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ PLC। तो जब मैंने आपको PLC मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जब पूरा एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी स्टेजेस पढ़ाए थे, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो ये जो पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्टरी स्टेज, इसमें अगर आप अपने प्राइजिंग डिसाइड करने की सोचते हैं तो ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर होता है आपका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस दो हैं यहाँ पे। पहली है आपकी कांट यूज़ फॉर लॉन्ग पीरियड। ये वाला जो मेथड होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, आप ज़्यादा ज़्यादा टाइम के लिए इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज़ प्रोड्यूसर में लूज द मार्केट ऑफ अदर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। इसमें क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा खर्चा लग चुका है, मींस जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो आप जो प्रोड्यूसर है वो जो बाकी के मार्केट हैं, मींस उसने एक से ज़्यादा मार्केट में अपना बिजनेस फैला रखा है, तो ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, अगर उसकी हाई वेरिएबल कॉस्ट जा रही है तो उसको बाकी के जो मार्केट हैं उनको बंद करना पड़ता है, वहाँ पर कंपनी उसको बंद करनी पड़ती है। लिखा हुआ है ना यहाँ पर प्रोड्यूसर में लूज द मार्केट ऑफ अदर प्रोडक्ट, बाकी के प्रोडक्ट या बाकी का मार्केट भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हाई कॉस्ट की वजह से उसको लूज़ करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आई हो। आज मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड पूरा एक तरह से कवर करवा दिया, इसमें मैंने कुछ भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। तो कल को मैं आपको दूसरा प्राइसिंग मेथड करवाऊँगी, फोर्थ प्राइसिंग मेथड, जो कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड के अंडर आता है। अगर रिगार्डिंग दिस आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।